सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं गाइस, वो इतना इजी है ना कि आप लोग भी कर सकते हो। बट गाइस आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कूल भी है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए 4 ग्लास और चीनी और फूड कलर और एक सिरिंज। अब इस तरह के बोतल के ढक्कन से हमें पहले ग्लास में 7 ढक्कन चीनी डालना है। अब दूसरे ग्लास में भी चीनी डालना है मगर सिर्फ 4 ढक्कन। तीसरे ग्लास में सिर्फ 2 ही ढक्कन चीनी डालना है और चौथे ग्लास में कुछ भी नहीं डालना है, इसको खाली छोड़ देना है। तो गाइज अब हर ग्लास में 120 ml पानी डाल देना है। देखिए हमने हर ग्लास में जो है एकदम बराबर मात्रा में 120 ml पानी डाल दिया है। अब चीनी को अच्छे से घोल लेना है ताकि कुछ भी ना बच जाए। अब देखिए घुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो जिसमें ज़्यादा चीनी था वो डार्क है, जिसमें कम चीनी था वो लाइट है, ठीक है। तो चलो अब जो है हमारे पास कुछ फूड कलर्स भी थे तो हम उसको इसके अंदर मिला देते हैं। तो लीजिए गाइस जो हमारा शुगर सॉल्यूशन था वो बिल्कुल कलर के साथ एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको क्या करना है, सिर्फ पलट के एक दूसरे में रख देना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्लास है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा चीनी डाला था उसमें रेड कलर है, तो उसको हम इतना सा पानी बचा देंगे कि बस ये, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है इतना काफ़ी है। तो इतना क्या करते हैं हम इस ग्लास में छोड़ देते हैं पानी। तो पहला ग्लास तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है जिसमें कि हमने 7 ढक्कन चीनी डाला था। तो अब क्या करते हैं, जिसमें हमने 4 ढक्कन चीनी डाला था उसमें से पानी निकालते हैं। ये देखो येलो रंग का है, इसके ऊपर हम छोटा सा क्या करते हैं सिरिंज लगा लेते हैं। और ये सिरिंज हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि देखो अगर हम ज़ोर से डालेंगे ना तो पानी जो है मिक्स हो जाएगा, इसीलिए सिरिंज से डालेंगे तो काफ़ी स्लोली जाएगा और वो मिक्स नहीं होगा। आप देख सकते हो कि देखो काफ़ी धीरे धीरे, देखो एक अलग सी लेयर बनती जा रही है। देखो 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 कितना अमेजिंग लग रहा है। देखो नीचे जो है वो पिंक रंग टाइप आ रहा है और ऊपर जो है क्या कहते हैं येलो कलर आ रहा है, दोनों मिक्स हो गए, जहाँ पर वहाँ पर हल्का हल्का रेडिश कलर भी आ रहा है। आप देख सकते हो इसको मैंने फास्ट कर दिया काफ़ी, बट आपको स्लोली स्लोली करना है, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल 2 अलग अलग लेयर अब बिल्कुल आपको एकदम साफ साफ नज़र आ रही होगी, है ना। और अब क्या करते हैं, ये थर्ड जो था हमारा जिसमें कि हमने सिर्फ 2 ढक्कन चीनी डाला था उसमें ब्लू कलर है, तो इसमें डालते हैं। देखो ये दोनों जब मिक्स हो रहे हैं येलो और ये ब्लू, तो ये ग्रीन कलर का मिक्सचर दे रहा है हमें ये, और ब्लू कलर तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर ही नज़र आ रहा है। तो गाइस अब देख सकते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें अलग अलग लेयर्स भी फॉर्म हो चुकी है। व्हाइट कपड़ा लगाने पर तो और ज़्यादा, कपड़ा नहीं है मतलब पेपर है, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस था ना कितना कूल एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आप लोग भी इसको घर पे ट्राई करना और इसका ख्याल रखना बस, और स्लोली ऐड करना। अगर आप इसको तेज ऐड करोगे तो ऐसे मिक्स हो जाएगा इस तरीके से, और कोई भी मतलब लेयर नहीं बनेगी, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि क्यों होता है ना, पानी की जो डेंसिटी थी वो अलग अलग थी और उसी की वजह से ये लेयर बन गई है। सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।